सब सीओ साहब ने किया है। सीओ साहब ने नोट खाए हुए है, वो लोग मुंडे है, बदिक लोग है। अच्छा और हमला करने के बाद राजीव की मौत हो गई। राजीव के भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि मृतक की पत्नी का यह आरोप है कि 5 महीने पहले हमने FIR कराई थी जिसमें 10 लोग मुलजिम थे, लेकिन सीओ तिलहर ने 8 लोगों को निकाल दिया और उसमें 2 लोगों को रोका, जबकि हरिजन एक की 10 लोगों पर FIR थी। लेकिन महिला का यह कहना है कि सीओ ने पक्षपात किया, सीओ ने पैसे लिए, सीओ के ऊपर आरोप लगाए महिला ने। क्या लगाए हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन महिला का ये कहना है कि 10 लोग हमने मुलजिम लिखवाए थे हरिजन एक्ट में, लेकिन सीओ ने 8 लोगों को निकाल दिया, 2 लोगों को मुलजिम बनाया और आखिरकार वही अंजाम हुआ कि आज सुबह तड़के महिला के पति राजवीर की कर दी गई हत्या और हत्या करने के बाद भतीजे को मारा, गंभीर रूप से मारा। हालांकि सुबह तड़के राजीव जिला अस्पताल में आते आते दम तोड़ दिया। हालांकि महिला बिलक बिलक कर रो रही थी और चिल्ला चिल्ला कर आरोप लगा रही थी खाकी के ऊपर, किस अंदाज में आरोप लगा रही थी हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें जिस समय महिला के सामने उसके पति राजीव का शव शवगृह में ले जाया गया, उस समय महिला पछाड़े खार खा कर रो रही थी और क्या कह रही थी, खुले खुले बयान दे रही थी। वो ये कह रही थी पुलिस अगर लापरवाही ना करती तो मेरे पति की जान नहीं जाती। तो हमने पूछा किसने लापरवाही करी, तो उसने किसका बताया, सुनते। परेशान लो मुलजिम थे, 8 निकाल दिए, 8 निकाल दिए हरजन एक्ट में, हरजन एक्ट में निकाले दोनों को मारो। हाँ। साइकिल पाइप पचपुटा पाइप साइकिल पंपन सीट सारा सामान मेरा ले गया खेत पर से, उसके मोहरा फटा इनका। आप रिकॉर्डिंग कीजिए, हम थाना तिलहर का मामला है ना, तिलहर है थाना तिलहर। आप क्या मानते हो अगर पुलिस कार्रवाई करती तो ये घटना नहीं होती? हां हां पुलिस करती तो घटना मेरी नहीं होती ना, मेरे हस्बैंड जाते यहां से। बैठ बैठ अगर कत्तो तो अगर पुलिस न्याय करती तो ये घटना नहीं होती। हां पुलिस ने पैसे खाए। हां था परेशान ना। हां सीओ साहब ने भी खाए, नोट लिए कल भी लिए परसों भी लिए, नोट लेके आज मेरे हस्बैंड की पिटाई की, 4-5 पैसे खींच के लाए। हम रोकते रहे, हमको हटा दिया, 2 लोगों ने अच्छा, पकड़ जब दिया। ये इतनी बड़ी घटना सुबह हुई तो पुलिस पहुंची थी या नहीं पहुंची? नहीं पहुंची, पुलिस नहीं गई, पुलिस ने फोन भी नहीं उठाया, कोतवाल ने भी नहीं उठाया फोन। देखो मेरे में कॉल होगी, देख लीजिए मेरे फोन में कॉल होगी। नहीं जी सही कह, नहीं अभी हम दिखा रहे हैं। जब आप घट जब विवाद हो रहा था घर पे तो आपने जब पुलिस को कॉल करी तो पुलिस ने फोन नहीं उठाया? किसी ने फोन नहीं था, हम अपनी गाड़ी से आए। हाँ ना 100 नंबर गए, कोई भी नहीं गया, हम तो अब जाते थाने को जाएंगे। हाँ वर्मा जो मरे हैं, हत्या हुई है, ये आपके कौन थे? हमारे चाचा थे। कैसे हुआ, क्या हुआ सुबह? सर हम सुबह अपने घर पे बाहर घर से बाहर बैठे थे और अंदर आए, जो लोग घर में घुस के आए। कौन कौन लोग आए? देखिए सर प्रेस आए, महेश आए, गुड्डू आए, गुड्डू उर्फ राजीव, अजय पाल, संजीव परवीन और क्या नाम महेश अर्जुन सिंह। तो कहीं से इन लोगों ने मारा? ये बात राइफल की पट्टों ने मारा, फायर किया, घर में घुस के मारा। इससे पहले भी विवाद हुआ था? इससे पहले सर हमारे पिताजी को मार चुके थे। फिर आपने पुलिस में FIR कराई? जी सर की कराई थी। कितने लोग थे उसमें? सर 10 लोग थे। फिर पुलिस ने क्या करा? पुलिस ने सर कुछ नहीं किया, पुलिस ने तो कुछ करते सीओ करते क्लियर किया, वो कुछ सुनते ही नहीं, उनके पास पेश हुए हम एसपी के पास, लेकिन उन्होंने 10 मुलजिम में से 2 मुलजिम को रखा, फिर भी कोई चार्ज नहीं। फिर लेबर को मारा, नहीं लगा अर्जेंट एक्ट लगाए, 10 आदमी लिखाए, उन्होंने 8 आदमी को निकाल दिया। अच्छा पुलिस ने, पुलिस ने
और उसके बाद में अगर पुलिस ना निकालती तो ये घटना ना होती है? नहीं होती, होती। सरकार ये करीब ढाई तीन महीना हो गया, ठीक है, हमारी लेबर को मारा उस मदद में, सर कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया उसने। पुलिस जाती है और उल्टी कभी उनके घर पे पुलिस नहीं जाती है, उनके घर पे नहीं जाती है और उल्टी हमारे घर पे आती है। क्या वो लोग दबंग है क्या? बहुत दबंग, दबंग किस्म के आदमी है। उनपे और भी मुकदमे हैं? बहुत मुकदमे हैं सर, उनपे फैक्ट्री के मुकदमे हैं, छत पे बैठते थे और सर औजार पे कत्ल भी पहले पुराना भी किए इन्होंने। आज जो मारा आपके चाचा को वो किन किन लोगों ने मारा? जी सर, ग्रेस, मोनू, राजीव, संदीप, अजय पाल, प्रवीण और अर्जुन सिंह। पुलिस मौके पे पहुंची थी? ग्रेस महेश, पुलिस नहीं थी। पुलिस पहुंची आज मौके? पुलिस नहीं अभी पहुंची, नंबर को बाद में फोन किया, बाद में गई, तो नंबर बाद में था, नंबर रास्ते में मिली थाने की पुलिस, रास्ते में तिलर में मिली। मुकदमे मुकदमे और भी चलते हैं, अपराधी किस के काफी है, हम सारी पहले वहाँ पे निकलवा के चलो आपको दिखाएंगे, पकड़े करते हैं। हाँ, बकरी मिलती है तो बकरी को ले जाते हैं, गरीब आदमियों को निभाने नहीं देते, एक रोटियां चैन से नहीं खाने देते हैं, इस चक्कर में मेरा आदमी मार डाला है। सुनो भगवान।